स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय की टीम ने जिले में स्वास्थ्य सेवाएं जांचने के लिए चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में मलेरिया विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राकेश सैनी ने सीएससी और सब हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ मलेरिया की रोकथाम के प्रबंधों की जांच की। इस दौरान उन्होंने खामियां मिलने पर संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देशित किया। जिला नागरिक अस्पताल में भी स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया। डॉक्टर सैनी ने अस्पताल में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के किए गए प्रबंधों की भी जायजा लिया। वही रिकॉर्ड का अवलोकन कर इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू मलेरिया को लेकर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हर साल डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आते हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। हम लोग आज जो डिस्ट्रिक्ट भिवानी में आए हैं, उसका जो मुख्य कारण है बेसिकली ये देखना है कि आगे आने वाले मलेरिया और डेंगू के सीजन को देखते हुए जो जिले की क्या तैयारी है और जो ग्रामीण स्तर पर है वहाँ पर क्या तैयारी है और किस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही है, तो उसको लेके हमने कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ गैप्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बोला है और सीएमओ साहब को उन्होंने बता दिया है, तो टीम उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। इसके अलावा गर्मी का मौसम है, हीट वेव को देखते हुए जो भी जरूरी दवाइयाँ सामान है उसको स्टॉक मतलब सफिशिएंट होना चाहिए जिले के अस्पताल पर। और लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं कि हर साल अब जो डेंगू और मलेरिया आम हो गया और हरियाणा क्योंकि मलेरिया को ख़त्म करने की बात करता है तो उसके लिए लोगों के बिना सहयोग के मलेरिया ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसलिए अपने घरों में और अपने घर के आसपास जो भी कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के गिलास है या मिट्टी के बर्तन है जिनमें हम पानी रखते हैं उनमें देखें कि कहीं पर भी कोई मच्छर का लार्वा ना पनप रहा हो। अगर ऐसा कोई लार्वा पनपता है तो ये मानते हुए कि वो डेंगू का लार्वा हो सकता है आप पूरी सतर्कता बरतें।